खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बना दिया गया है। कल शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही एक साल पूरा हो गया है। इसी बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई थी। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था तब सतपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया। जीसी मुर्मू की गिनती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास अधिकारियों में होती है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, जिसे एक बड़ा झटका माना गया था। तो मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति ने जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कल शाम को जीसी मुर्मू ने पद से इस्तीफा दिया था। तो भाई अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर कौन है मनोज सिन्हा। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे भी हैं सिन्हा। इसके साथ ही 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ 2019 में भी देखा गया कि लोकसभा चुनाव मनोज सिन्हा हार गए थे। 2019 की ये बात हम आपको बता रहे हैं जब वो लोकसभा चुनाव मनोज सिन्हा हार गए थे। मोदी सरकार 1.0 में मनोज सिन्हा मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिन्हा के पास रेलवे के राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री का कार्यभार था और साथ ही 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार थे सिन्हा। मनोज सिन्हा की गिनती पीएम मोदी के भरोसेमंद यानी कि खास नेताओं में होती है। तो ये मनोज सिन्हा का प्रोफाइल है, आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर कौन है मनोज सिन्हा जो अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं और मुर्मू का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति ने।